मामले का खुलासा करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि बीते 19 मई को मथुरापुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत अपने आप को पुलिस पदाधिकारी बता रहे बदमाश के द्वारा एक पिकअप चालक व उपचालक से जबरन मारपीट कर 89,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से मिले तस्वीर के आधार पर बदमाश की पहचान गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र निवासी कन्हैया उपाध्याय के रूप में हुई, जिसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा गोपालगंज जिले के थावे से गिरफ्तार किया गया है। छोटी बच्ची ने बताया कि इस कांड के सफल उद्भेदन में मथुरापुर SHO मोहम्मद खुशबुद्दीन एवं SI मुकेश कुमार के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार तिवारी ने बताया कि दबोचे गए अपराधी पटना एवं गोपालगंज जिला में भी कई अपराधी घटनाओं को पुलिस पदाधिकारी बन अंजाम पूर्व में दे चुका है। 20 मई को मथुरापुर ओपी के क्षेत्र में एक खबर सामने आई थी कि जो है पिकअप चालक था और उसके साथ एक और व्यक्ति था, उपचालक, दोनों लोग जा रहे थे और उनसे किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस पदाधिकारी अपने आप को बताते हुए 89,000 रुपये की लूट कर ली गई थी। घटना दर्ज होने के बाद फिर FIR की गई, FIR के बाद उसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इसमें एक ही व्यक्ति शामिल है जो कि मुक्तापुर गुमटी के पास किसी मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट लेता है। लिफ्ट लेकर के उस मोटरसाइकिल वाले को बोलता है कि सामने जो पिकअप जा रही है इसमें कोई मेरा सहयोगी बैठा है, इसको ओवरटेक करना है, और मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके उस पिकअप को रुकवाता है। पिकअप को रुकवाने के बाद पिकअप में बैठ जाता है, पिकअप से भी लिफ्ट ले लेता है और फिर उस चालक को अपने आप को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए नगर थाना का बोलता है कि आपको नगर थाना ले चलेंगे और फाइन दर्ज होगा और आपको जेल भेजेंगे, और जो पुलिसिया अंदाज होता है उस अंदाज में बात करता है और उस चालक को फिर गाड़ी रुकवा कर उस चालक को पीछे की ओर बोलता है कि 1 किलोमीटर दौड़ जाओ। उस चालक बहुत ही सीधा व्यक्ति था तो वो पीछे की ओर दौड़ने भी चला गया और उपचालक, इसको पता चल जाता है कि उपचालक के पास पैसा है, जो उपचालक है उसको बुला करके उपचालक से बोलता है कि अगर आप नहीं पैसा देंगे तो आपको हाथ भी चलाता है, उसको मारपीट भी करता है और उसको धमकी देता है कि नगर थाना में ले जाकर आप फाइन करेंगे। तो पहली नज़र में ही ये ठगी प्लस लूट का ही मामला सामने आया था। तो हम लोगों ने अनुसंधान किया, CCTV का अनुसंधान किया मथुरापुर SHO ने और सब इंस्पेक्टर मुकेश DIU ने, और लोगों को पता चला कि ये गोपालगंज स्थित अपराधी है कन्हैया उपाध्याय, जो पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। तो टेक्निकल अनुसंधान और CCTV से इसके चेहरे की पहचान हुई। CCTV से जो इसका चेहरा आया था उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया सेल पर भी और आप लोगों को भी दिया था। उसके माध्यम से कई लोगों के द्वारा, अन्य जिलों के द्वारा लोगों को पता चला कि कन्हैया उपाध्याय नाम का अपराधी जो ऐसी घटनाएं करता है। पहचान होने के बाद कन्हैया उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हुई और कन्हैया उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने 89,000 रुपये की लूट की थी जिसमें से 85,000 रुपये बरामद हो गए और गाड़ी की चाबी भी मिल गई। इस गिरफ्तार अभियुक्त नाम कन्हैया उपाध्याय, ये पहले से भी पटना और वैशाली से भी, ये बड़े शहरों में से घटना करता है, पटना में भी जाता था और राह चलते किसी व्यक्ति को अपने आप को पुलिस पदाधिकारी का रौब झाड़ते हुए 2-4 थप्पड़ लगाता था जिससे कि सामने वाला समझने लगता है कि पुलिस नहीं है ये, और पुलिस का रौब दिखाते हुए उसको थाना ले जाने की धमकी देता था और अक्सर थाना के आसपास ही घटना करता था। ये घटना इससे भी थाना से बहुत दूर नहीं था, इसलिए चालक को भी कन्विंस हो गया कि बहुत जल्दी ये थाना हमको लेकर चला जाएगा। तो पुलिस से और थाने से बचने के लिए और इसकी मारपीट से बचने के लिए पब्लिक पैसा भी दे देती है, तो पैसा उसने दे दिया था। तो जो 89,000 रुपये दिया था वो बरामद कर लिया गया है और